तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पेपर। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा गया पेपर है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच करेंगे। 2023 में पूछा गया है और अब जो ग्रेजुएशन है 4 साल का है, इसमें यह पेपर कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, सभी की यूनिवर्सिटी में यह पेपर आएगा ही आएगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, फुल मार्क्स 100 होता है, टाइमिंग 3 आवर दिया जाता है और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे MCQ हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। देखिए दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी क्या करता है कि आपका जो पेपर है पूरा का पूरा इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, इसके कारण जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, मतलब सॉरी इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं केवल, उतना अच्छा उतना इंग्लिश नहीं होता है कि पूरी तरह से उस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, उस कंडीशन में उसको सामना करना पड़ सकता है कठिनाइयों का। तो आपको करना क्या है, अगर आपका पेपर पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आ जाए, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा गद्दारी करता है जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज के जितना भी पेपर है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश खोटा हो गया आपका कुरमाली, इन सब का पेपर आप उसी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन अदर जितने भी पेपर होते हैं उसको जो है संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झारखंड की राज्य की भाषा हिंदी है, अगर आपकी बिहार से हैं तो बिहार में भी हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में दोनों में, यूपी में भी हिंदी इंग्लिश जहाँ पर भी है। ठीक है, तो यह पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, बट केवल और केवल इंग्लिश में आ जाता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है जो आपके एग्जामिनर रहेंगे, एग्जामिनर जो लेंगे बोलेगा सर इस पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करना है और नहीं करेंगे तो और क्या, बस वही एक उपाय है कि आप सर देखिए हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, नहीं सकेंगे पेपर को, तो आप इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दीजिए तो वो बता देंगे। ठीक है, अच्छे रहेंगे तो बता देंगे, और क्रूर आदमी रहेगा, क्या बोलते हैं दुष्टाहा जिसको बोलते हैं, तो ऐसा आदमी नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, एग्जाम में वही हाल हुआ था इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि झारखंड की एक यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आया था, मैंने आपको हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करके दिया है। ठीक है, तो हिंदी वाला आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसलेटेड फॉर्म है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। पूछा गया है कि एग्जामिनेशन, सॉरी यहाँ से शुरू करेंगे कि आपका द क्वेश्चन आर इक्वल, द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि सभी प्रश्नों के मान जो हैं समान हैं। फिर है कि यहाँ पे एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित वाक्यों का परीक्षण कथन नहीं है, तो देखिए कथन वही नहीं होगा जो कि सत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए के आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360, ये हमेशा सत्य है जी, तो ये बिल्कुल सही है। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन आप दीर्घायु हो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब आप दीर्घायु होंगे मतलब है कि आप लंबी उम्र के होंगे, कोई जरूरी नहीं यार, आदमी कल ही मर जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, क्योंकि पेपर जो है यूनिवर्सिटी वाले इंग्लिश में डाल देते हैं। ठीक है, तो यू हैव लॉन्ग लाइफ, ये हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक कुछ क्वेश्चन जो है मैं भी नहीं बना पाया हूँ, इस टाइप से जो क्वेश्चन आए थे, द अपोजिट अ स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी। ठीक है, फिर तीर का साइन है और फिर क्यू इज इक्वल टू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब मैं नहीं सका यार। ठीक है, तो ये देखिए ये है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए स्क्वायर सॉरी 1² + 2² + 3² · (n² इज इक्वल टू। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n संख्याओं का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है प्रथम श्रेणी क्रम में, सॉरी यह जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। तो जब आप सरलीकरण पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो इस चैप्टर में मिलता है कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n × n+1/6, नहीं
तो वो होता है प्रथम एन संख्याओं का योग, फिर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स होता है एन स्क्वायर का योग, ठीक है। और वही चीज़ अगर क्यूब में आ जाए तो एन इंटू एन प्लस वन बट्टा टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब डॉट 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 प्लस एन का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो कुल मिला के होगा ए नंबर एन इंटू एन प्लस वन बट्टे टू का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग नोट करते जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि समुच्च के समतुल्य है क्या है, और छठा क्वेश्चन है निकटवर्ती वेन समूह ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है। देखिए इंग्लिश में है द सेट इक्विवेलेंट टू द सेट इज, और सिक्स नंबर है इन द एडजेसेंट वेन डायग्राम द सेट ए डैश बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बना सका। आगे देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन, तो सेवन नंबर पूछा गया है कि एक घन, ठीक है, घन समझते हैं, ये होता है घन, ये मैं घन बना रहा हूँ, ठीक है, ये पासा का जो गुटी होती है वो घन आकार की होती है, एक मिनट भाई साहब, जो घन होता है वो इस टाइप से होता है ना, ये इस टाइप से होता है घन, ठीक है, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो इसका जो है पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है 256, और इसका पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a², ठीक, तो 256 बराबर 4a² दे दिया है, 256 बराबर कितना दे दिया है 4a², तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका, सॉल्व करना होगा 4a² इज इक्वल टू 256, ठीक है, इसको इधर भाग दीजिएगा चार से, जब ये गुना है इसके साथ इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, फिर चार से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 8 4 5 20 4 6 24, यहाँ पे एक बचा, 4 4 16 यानी कि 64 आ गया, a² बराबर 64, यानी कि ए इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट चौंसठ बराबर कितना होता है 8, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, मतलब घन का जो भुजा है वो आ गया 8। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है a³, यानी कि 8 का क्यूब बराबर कितना हो गया, तो 8 का क्यूब होता है आपका कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा 512, 8 का क्यूब 512, ठीक है। आप लोग ए का क्यूब 1 का क्यूब 1, ठीक, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, इस तरह से पूरा 15 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा आठवां क्वेश्चन है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या जो है और तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या मतलब आर और तिरछी ऊंचाई मतलब एल, ठीक है, कितना है, तो आर बाई टू है, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। इंग्लिश में था पेपर तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा इंग्लिश में, चलिए हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कौन, कौन मतलब होता है शंकु, हुज रेडियस, रेडियस मतलब आर, त्रिज्या कितना दिया है आर बाई टू, एंड स्लैंट हाइट कितना दिया है, तो एल दिया है तिरछक ऊंचाई जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल सॉरी हाइट दिया है 2l, ठीक है, और यहाँ पे आर कितना दिया है रेडियस आर बाई टू, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। और पूछ क्या रहा है कि टोटल सरफेस इसका कितना होगा, तो दोस्तों फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर बाय 4, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ये कुछ चीज़ें मैं हिंट करूँगा, जैसे कि आपको शंकु का आयतन पढ़ के जाना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, फिर आपको बेलन का पढ़ लेना है, ठीक है, फिर आपको घन पढ़ लेना है, घनाभ पढ़ लेना है, ठीक, घन घनाभ इन सभी का मैं फॉर्मूला आपको एक बार दे दूँगा एक वीडियो में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबे खंभे की लंबाई जिस पर आयाम 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर का एक कमरा लगाया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ और तब समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस बार आप लोग फेल करने वाले हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, क्योंकि अब जो है ग्रेजुएशन नहीं करने देगा, ये ठान लिया है यूनिवर्सिटी वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि अब बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं करने देना है, मतलब 100 आदमी अगर एडमिशन कराएगा ना तो केवल और केवल 10 से 20 आदमी ही सर्टिफिकेट लेके निकल पाएगा, 8 को सेमेस्टर होगा और ऐसा ऐसा टफ क्वेश्चन लेगा एग्जाम, इंग्लिश कंपलसरी, मैथ कंपलसरी,
तब तो हो गया एग्रेशन किया हुआ भाई, सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है, देन कैन बी पुट अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर इज। तो देखिए फॉर्मूला फिट कीजिए तो कितना आएगा आपका 15। कैसे आएगा 15 जी? तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये पोल ये आपका है, ठीक है, कौन है, और इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है आपका, एक मिनट यार, ये एल दिया है, ठीक, ये बी दिया है और ये एच दिया है। आप लोग बना लीजिएगा घन, इस तरह से बनता है, ठीक है, माचिस के डब्बे के आकार का। इसका एल दिया है वो 10 मीटर, ये भी आपका 10 मीटर है लंबाई और ये चौड़ाई, और ऊंचाई जो है ये वाला, ठीक है, ये हाइट वाला ये 5 मीटर है, और बोल रहा है कि एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई कितनी है। ये जो कोना है ना, यहाँ से यहाँ तक का कोना, इसकी लंबाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो कोना जाएगा इस कोने की लंबाई कितनी है, ये कोना, ठीक है, चाहे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में। तो चलिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा जी, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 100 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक, और इसको आप अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 225 अंडर रूट, और 225 अंडर रूट किसका होता है, तो 15 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन ए। समझ गए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 5235 mm मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, इज इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है। देखिए 10 यहाँ पे है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हो गया, और यानी कि एक हो गया सेंटीमीटर में आने के लिए हमको यहाँ पे एक जीरो काटना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आ गया पॉइंट हमारा, ठीक है, एक हो गया तब हमारा ये हो गया अब सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कितना आ गया हमारा 5223 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हमको मीटर में चेंज करना है तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो अब 100 है यानी कि 2 गो है, तो अब 2 गो इधर आएगा यानी कि 5.23 हो जाएगा, ठीक है, 5 के बाद पॉइंट लगेगा यानी कि ऑप्शन ए। आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन करना पड़ सकता है मैक्सिमम आदमी को। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली ट्यूशन करना पड़ेगा, बट जो थोड़ा सा तेज होंगे, जो 10th क्लास इजीली मतलब 70+ अगर आप 10th में लेते आए ना मैथ में, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, पूरा पेपर देख के जाइए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा यार, क्योंकि 10th तक मैंने भी मैथ पढ़ा है। अगला है 6 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो 6 किलोमीटर, देखिए दोस्तों हम लोग सबको जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लिए, तो 6 किलोमीटर है तो 6000 मीटर हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जो है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना होता है, 100 से गुना करना होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है जी। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे 100 सेंटीमीटर को, तो हमारा हो जाएगा 1 मीटर, या फिर 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, तो ये 600 मीटर है। तो इसमें अगर 2 गो जोड़ जोड़ देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि 2 गो और इधर 3 गो 5 गो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 गो हो जाएगा, 6 × 5 = 0 सेंटीमीटर, सी नंबर। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिमल मतलब दशमलव, 2 फीट 9 इंच इंटू यार्ड, तो इसको यार्ड में बदलना है, ठीक है। डेसिमल 2 फीट 9 इंच को यार्ड में बदलिएगा तो क्या होगा, तो देखिए 1 यार्ड बराबर होता है 914 मीटर, कितना होता है 1 यार्ड दूरी मतलब 914 मीटर। तो 2 फीट 9 इंच 3 फीट में होता है आपका जो है, 3 फीट में टोटल, एक मिनट यार, 3 फीट में टोटल 1 यार्ड हो जाता है, ठीक है, कितना यार्ड 1 यार्ड। तो देखिए यहाँ पे 1 यार्ड कोई है नहीं, सब 1 यार्ड से ज़्यादा है, तो 3 फीट भी नहीं है, तो 3 फीट होता तो ये 1 यार्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, सब एकदम जानना पड़ेगा एकदम, इंच फीट मीटर, ठीक है। तो 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना है, 2 फीट 9 इंच है, यानी कि 3 फीट होने में भी इसको बाकी है, 3 फीट होने में 3 इंच बाकी है, और यहाँ पे एक यार्ड में थोड़ा सा कम है ये वाला, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.916 यार्ड, ठीक है। बाकी आप लोग निकाल भी सकते हैं भाग देके, जैसे कि यहाँ पे 2 फीट 9 इंच इज इक्वल 3 फीट इज इक्वल टू होता है आपका 1 यार्ड, ठीक है, 1 यार्ड। तो अब आप लोग 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड होता है, इस तरह से जितने भी फॉर्मूला हैं सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला है कि वॉट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर इज 5 ग्राम। तो पूछ रहा है कि 5 ग्राम जो है 1 किलोग्राम, सॉरी व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 5 ग्राम। तो 1 किलोग्राम जो है मैं 5 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो देखिए दोस्तों 5 ग्राम जो है ये 5 ग्राम हमारा हो गया, ठीक। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। अब इसका कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो भाग दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा आपका 0.5 ग्राम, ठीक है। देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया था, जैसे ये हमारा 5 ग्राम हो गया, तो 5 ग्राम ये वाला और हम लोग 1000 ग्राम है, ठीक। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 के 5 एक आ जाएगा, नीचे में 200, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि 1/200 आ गया। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट भाग दीजिए ना जी, तो ये 0 से गया एक बार, फिर यहाँ पर 0 आया, तो हमारा 2 को 0 देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, 2 को 0 देंगे तो फिर 100 आ जाएगा। अब इसको हम भाग दे सकते हैं तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे भाग दे देते हैं और 1 जीरो लगा के, तो यहाँ पे हमारा आ गया और 1 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो, अब ये हो गया 1000। अब भाग चल जाएगा तो 5 में आएगा, यानी कि 0.0005, पॉइंट देके 3 को 0 और 5, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए। अब मालूम नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है यार मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर। तो देखिए पूछ रहा है कि एक दिन में 3 घंटा कितने के बराबर है, तो देखिए एक दिन में कितना होता है, 3 घंटा, और एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो पूछ रहा है कि 3 घंटा जो है 24 घंटे का कितना भाग है, तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 3 = 3 और 3 × 8 = 24, यानी कि 1/8, 1/8 आ गया। अब इसको भाग दीजिए यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, भाग नहीं देना है, मतलब 24 घंटा इज इक्वल टू 100%, ठीक। और ये 3 जो है कितना भाग है इसका, तो एक्स परसेंट इसको कीजिए, अब गुना कीजिए, तो 3 × 100/24, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 300/24, भाग जब दीजिएगा 300/24 तो आ जाएगा 24×1=24, ठीक। यहाँ पे 6 बचा तो 12, 24×24 24×2=48, 2 आ गया, यहाँ पे फिर हमारा बचा 12, ठीक, 48, 49, 50, 12 बच गया, फिर पॉइंट लगा दिए तो 120 हो गया, तो 24×5=120, 12.5, ठीक है। और डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं कि जब 24 = कितना होता है हमारा, 100%, यहाँ पे बोला है जैसा कि 24 घंटा जो है फुल प्रतिशत है, और 3 घंटा कितना परसेंट होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है 24 कितना है, ये आपका 100%, तो इसका 50% कितना होगा, 50% हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 50%, और 25% कितना होगा, तो 25% बराबर हो जाएगा इसका 6, 12 का आधा 6, जब ये 6 है तो इसका 12.5% कितना होगा, तो 12.5% हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा जी, 3, यानी कि 3 ये तो पूछ रहा है, तो 12.5% भी आ गया। आप लोग दोनों विधि से कर सकते हैं, रैंडम विधि जो आपके दिमाग में चलता है, और एक होता है फॉर्मूला वाला विधि, ठीक है। अगला है कि एस इनकम, यदि ए का आय जो है 20% है ज़्यादा, किसके आय से, बी के आय से, तो हाउ मच लेस इज बी इनकम देन ए इनकम, यानी कि पूछ रहा है कि ए की आय जो है 20% ज़्यादा है बी की आय से, मान लीजिए बी की आय एक्स है, तो ए की आय क्या होगी, x+20, ठीक है, ये हो जाएगी ए की आय। अब पूछ रहा है कि ये बी जो है ना, इससे कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका जब बनाएंगे थोड़ा सा आपका इक्वेशन जाएगा, बनेगा इस तरह से, बना सकते हैं कि ए
इज इक्वल टू ए की आय जो है ज़्यादा है, किसकी आय से, बीस की आय से 20%। बी की आय हमारा कितना है, एक्स है, तो इसका 20%, बी की आय है हमारा ये हो गया एक्स, और ए की आय है एक्स प्लस 20, 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स प्लस इसका 20%, इससे ज़्यादा ही ना है जी, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 20 की आय का 20% सॉरी का मतलब गुना होता है। तो यार मेरे पास ना कॉपी पेन होता है तो मैं अच्छे से, मतलब कॉपी पेन भी है बट क्या बनूँ, सिस्टम नहीं अच्छा से। तो ये हो गया इसका 20%, बी का 20%, ठीक है। तो ये बी का 20% हो गया, क्योंकि बी हमारा एक्स है, बी हमारा एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स बट्टा ये परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्व कर लेना है यार, बहुत लंबा जाएगा मैं पहले ही फिर भी एक बार कोशिश करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से जाएगा एक्स प्लस एक्स का 20/100, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ है, मैं सब बार ही बता देता हूँ, 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 20 के 20 20 25 100। अब कितना हो गया यहाँ पे, एक्स प्लस 1/5 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो एक्स प्लस एक्स बाई 5 ये हो गया। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे में 5 ही आ जाएगा, और ये 5 इससे गुना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x और 1x 6x/5, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6x+5, ये हो गया आपका a, ठीक। a का वैल्यू अब आया, समझे अब आ गया a कितना है, b हो गया आपका x, b इज इक्वल टू x, और a इज इक्वल टू कितना होता है, तो a इज इक्वल टू होता है आपका 6x/5। अब ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, b से, तो सॉरी a से कितना ज़्यादा है, तो देखिए a को घटा देंगे अगर हम, तो पता चल जाएगा ये जो b है ना कितना कम है, तो हम x घटाते हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा फिर भिन्न का जोड़ होगा, तो ये नीचे वाला 5 हो जाएगा और ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 6x-5x = x/5, ये हो गया हमारा ज़्यादा, इतना ज़्यादा है a किससे, b से, ठीक। ये हो गया, अब पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालिएगा तो आपका निकलेगा 16/2/3, ये इसका मतलब होगा कि 16 × 16 = 48 और जोड़ दो मतलब 50/3 आपका टोटल आएगा, 50/3 आएगा, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में आप लोग लिख दीजिएगा, पूर्णांक के फॉर्म में। तो दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जिनका मैथ कमज़ोर है ना, वो एग्ज़ाम में भगवान भरोसे या अल्लाह भरोसे पास कीजिएगा। अगला है कि द नंबर ऑफ होज 20 is 1/8, ठीक है। तो 20% जो है 1/8, मैं इसको मैं हिंदी कर लेता हूँ यार, ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा सा समझ में, वह संख्या जिसका 20% जो है 1/8 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 20% जो है 20/1/8 है, ठीक है। 20वां भाग क्या है, 20%, यहाँ पे परसेंटेज देना भूल गया है, तो 20% इज इक्वल टू 1/8, ठीक। तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, इधर को भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा संख्या को लाने के लिए, ठीक है। तो इधर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 ये आपका 5 आ जाएगा, 5/8, क्योंकि ऊपर वाले से गुना होगा, ठीक है। और इधर आपका 100%, यानी कि 5/8 को भागा दीजिए, तो 5/8 को अगर आप भागा देंगे तो आपका आएगा 0.625, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, अब किसको टिक लगाना है यार आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मैं बता दिया हूँ कि मैं भी कंफ्यूज हूँ यार क्या बताऊँ। 17 नंबर क्वेश्चन है, अब आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन है कि रुपये 400 रुपये का जो है 12% मूल्य, यार इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा हिंदी में। द वैल्यू ऑफ 12.5%, द वैल्यू ऑफ 12.5% ऑफ 400, तो पूछ रहा है कि 400 का जो है 12.5% कितना होगा, 400 का 12.5% कितना होगा। सिंपल अभी मैंने बताया कि इसका आधा कीजिए, कितना होगा 50%, 400 का 50% कितना होगा 200, यदि ये 100% है होता है जी, तो ये 200 हो गया इसका 50%, इसका 25% कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, 200 का फिर 25% कितना होगा 100, और इसका आधा करेंगे तो 12.5% होगा, तो 12.5 हो जाएगा कितना, 100 का आधा 50, तो यहाँ पे 50 देखिए कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है।
जिनका थोड़ा सा मतलब होगा उनको तो मज़ा आ रहा होगा, मैथ अच्छा होगा। आगे देखते हैं, अगला है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500 फॉर 3 ईयर इन रुपीज 75 द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है 500 रुपया है, ठीक, 3 साल के लिए 75 रुपया इसका सूद होता है, ब्याज होता है। 500 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 75 रुपया जो है साधारण ब्याज की दर से ब्याज निकलता है, तो कितना प्रतिशत से वो ब्याज ले रहा था वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आता है इंग्लिश, वो मैंने सब का पेपर का हिंदी अवेलेबल कर दिया है। यदि साधारण ब्याज 500 रुपया में 3 साल के लिए, तो साधारण ब्याज की दर 75 रुपये होगी। ठीक है, तो दर निकालना है आपको, किस दर से होगी वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में कितना हो रहा है 75 रुपया, तो 300 अगर हम इसको भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, 1 साल में 25 रुपया जोड़ रहा है, 25 25 25, 3 साल में जोड़ेंगे तो 75 रुपया ना होगा जी। ठीक है, तो ये 25 रुपया 1 साल में होता है। ठीक है, तो 500 का 25 कितना परसेंट है, 500 का 25 कितना परसेंट है, तो सिंपल निकालिए पहले उसी तरह बुद्धि कि 500 100% है, कितना परसेंट है 100, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 50% हो गया। फिर 50% का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25% कितना आएगा 250 का 175। ठीक है, ये हो गया 175 रुपया, कितना परसेंट 25%, और हमको कितना प्रतिशत निकालना है, और सॉरी कितना संख्या है यहाँ पे 25 रुपया, तो ऐसा में तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली और एक बुद्धि में बताता हूँ, 500 है, देखिए जब कोई भी संख्या है 500, इसके अगर हम एक और जीरो को मिटा देंगे ना तो ये 10% में आ जाएगा, या फिर मान लीजिए कोई संख्या है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ 438 लिख दिए, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, आप लोग कॉपी पेन लेके निकालने लग जाइएगा, नहीं नहीं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा दिए तो ये 10% हो गया, यानी कि 43.8 इसका 10% हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे दो संख्या के बाद तो ये 1% हो जाएगा, समझ गए, 1% कितना हो जाएगा 4.38, तो यहाँ पे 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा, तो एक बिंदु के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि 50 हो गया 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना निकालना है 25 रुपये का, कि 1 साल का 25 रुपया बन रहा है, तो फिर ये हो गया 10% बराबर 50, और फिर ये 10% बराबर कितना होता है 50, तो 5% बराबर कितना होगा 25 होगा ना जी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5%, 5% बराबर 25 होता है 500 का। देखिए बहुत आपको क्या बोलें, दिक्कत होगा, जिनका मैथ कमज़ोर है डेफिनेटली दिक्कत होगा, फेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पेपर जो है अब आपका मैट्रिक की तरह कर दिया है, इंग्लिश भी कंपलसरी है मैथ भी कंपलसरी है, मैट्रिक में तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है लेकिन अब यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। अगला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 300 फॉर 7 ईयर एट 14% पर एनुअल विल बी। तो दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पे, एनुअल लिख दिया है यार, गलत लिखा है, एनुअल होता है वार्षिक। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये पर 7 वर्षों के लिए 14% से वार्षिक ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 14%, 300 का 14% पहले निकालिए, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक बिंदु लगाएंगे तो 10% और एक बिंदु लगा दिए तो हमारा 3 आ गया 1%, 300 का 1% कितना होगा 3 टका होगा, 3 रुपया होगा 1%। अगर इसको हम 14 से गुना कर देंगे तो 14% निकल जाएगा, 1% बराबर 3, तो 14 से गुना करेंगे तो 14%, यानी कि 42 रुपया हो गया हमारा 14% किसका, 300 का 42 जो है 42% यार 300 का 14% कितना हो गया 42 रुपया। कैसे आया, तो 1% 3 है, इसको 14 से गुना किए तो 14 42। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 साल का, 1 साल में 42 रुपया ब्याज लेता है, तो 7 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 साल का ब्याज, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 7 × 2 = 14 हाथ में 1, ठीक, 7 × 4 = 28, ठीक है, और 1 वाला तो 29, 294 आ गया। अब देखिए 294 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8000 एट द रेट एन एनुअल रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8
8,000, मतलब 8,000 रुपये का साधारण ब्याज 5% की दर से 3 रुपये में कितना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने बोला है, 8,000 रुपया है, ठीक है, कितना 3 वर्षों में 5%। तो दोस्तों जब 1 साल में 5% लगता है, 2 साल में 5%, ठीक है, 3 साल में भी 5%, तो कुल मिला के कितना परसेंट, 15%। ठीक है, तो 8,000 का 15% कितना होगा, बस उठो निकाल दीजिए, आपका हो गया आंसर। तो 8,000 ये रुपया है, इसका 15% कितना होगा, अभी मैंने बताया कि 10 को इधर पॉइंट लगाएंगे तो 10%, तो 8,000 का 10% कितना हो गया 800, इसका 5% कितना हो गया, जब 10% बराबर होता है हमारा 800, तो इसका भी आधा कर दीजिए जी, तो इधर भी आधा हो जाएगा 5% बराबर हो जाएगा हमारा 400। तो 810% और 5%, 15% जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800 और 400 1200, 1200 बराबर हमारा 15%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1500 एट रेट फॉर 3 ईयर तो 360, देन आर विल बी, मतलब कि 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए जो है हमें ब्याज कितना मिलता है, 360 रुपया, 360% ब्याज मिलता है, तो कितना रुपया के रेट से वह खरीद रहा है। ठीक है, कि इसको जो है 360 रुपया ब्याज मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 होता है ना, कोई मतलब आपको तो सिंपल निकल जाएगा। देखिए 1500 रुपया है, ठीक है, 1500 रुपया है, इसका निकालिए कि पहले निकाल लीजिए कितना साल में, 3 साल में, तो 1 साल का निकाल लीजिए, 3 साल में जब 360% उसको मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 120%, 1 साल में 120%, दूसरे साल में भी 120%, तीसरे साल में भी 120%, तो 3 साल में ये जोड़ के 360 रुपया लेता है, समझ गए, 1 साल में कितना लेता है 120 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1500 रुपया में जो है ये 120 रुपया कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग निकाल लीजिए, पहले ये देखिए एक और जीरो मिटा दिए 1500 में तो 150 हो गया, फिर एक और जीरो मिटा दिए तो ये 10% 1% हो गया, दो को जीरो मिटा दिए 1% हो गया, 1% बराबर कितना 15। ठीक है, 1% बराबर 15 होता है, तो देखिए यहाँ पे 120 है, 15 को अगर भाग दे देंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 15 × 8 = 120, यानी कि 8% बराबर होता है 120। तो हमारा देखिए 8 कहाँ पे है, डी नंबर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 का ऑप्शन डी। अगला है 22 नंबर, इन हाउ मेनी ईयर कितने वर्षों में अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट द रेट, या फिर शॉर्ट में इसको इस तरह भी लिख देता है एट द रेट। ठीक है, एट द रेट ये ईमेल आईडी में प्रयोग होता है जनरली, 10% PA। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कितने रुपए की राशि जो है 10% की दर से, यहाँ पे दर साधारण ब्याज है, 10% की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये 100% पूरेगा तभी ना दोगुना होगा, तो 100% पूरता है तब दोगुना होता है, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, या फिर 100 से 10 को भागा दीजिए उसमें आपका 10 आ जाएगा, मतलब 10 साल में 10 करके 10 रुपया, 10% 1 साल, 2 साल में फिर 10-20 हो गया, फिर 3 साल में 30%, तो 10 साल में 100% हो जाएगा, यानी कि 10 साल में यह पैसा जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ मनी देन अमाउंट ऑफ रुपीज 9,261 टेक इन 3 ईयर एट 5% PE कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है इज, तो देखिए यहाँ पे पूछा है द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट ऑफ रुपीज 9,000, यानी कि 9,261 रुपया 3 वर्षों में 5% की दर से हो जाता है, ये आपका मिश्र धन है, इतना टका सूद और मूल जोड़ के होता है, 9,261 रुपया जो है सूद और मूल जोड़ के होता है, 9,261 रुपया, ठीक है, सूद और मूल जोड़ के, और कितना साल में, 3 साल में 5% ब्याज बोला था, तो इसका कितना रुपये में बात हुआ था, मूलधन तो निकालना है, कितना रुपये का मूलधन, तो देखिए और यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CI = तो चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्र की वृद्धि, चक्र की बात ही घूमता है, ठीक है, तो CI = फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, CI = फॉर्मूला क्या होता है, अगले बार मैं कॉपी पेन से समझाऊंगा यार। ठीक है,
सी आई इक्वल टू होता है पी इंटू वन प्लस आर बटे हंड्रेड, ठीक, इसका पावर एन होता है, ठीक है, इसका पावर एन होता है। पी आपका क्या होता है, मूलधन, आर होता है रेट यानी कि दर, एन होता है वर्ष, सी आई जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे सी आई कितना दिया है, 9261 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पी कितना दिया है, तो पी नहीं दिया है, निकालना है प्रिंसिपल को, निकालना है मूलधन बोलते हैं हिंदी में, वन प्लस आर, आर कितना दिया है पाँच, तो यहाँ पे ये आपका पाँच आ जाएगा। अरे भाई साहब रुको यार, देखिए तो हमने क्या बताया, 9261 ये हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ पे हमारा पी निकालना है, वन प्लस आर हमारा 5% है, ठीक है, और 100 का पावर एन, एन मतलब 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे एन के जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एकदम इजीली समझा रहा हूँ जो कि आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये आपका ये तीर की भांति जाएगा या फिर या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पी यहाँ पे रहेगा, ये आपका 105 हो जाएगा जब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, तो 1 प्लस 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 का लॉस आएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का पावर 3, तो 5 और 1 6 अभी रुकिएगा, यहाँ पे 9261 नेक्स्ट आएगा पी इंटू, तो ये आपका जो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 1 वाला बाद में लिखाएगा, पहले 100 लिखाएगा, 100 प्लस 5 बट्टा 100, ठीक है। नेक्स्ट का पावर 3, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9261 इज इक्वल टू पी इंटू 105 बट्टा 100, ये हो गया, फिर 105 बट्टा 100, फिर इंटू 105 बट्टा 100, ये 3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे ये 21 से कटेगा, मतलब 5 से कटेगा, यहाँ पे 21 5 105, ये 20, सब में उसी तरह से 20 और यहाँ पे 21, 20 यहाँ पे 21, ठीक। अब देखिए अगला है 9261 इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर में 20, 21 गुने 21 गुने 21 21 गुने 21, ये 3 बार, और नीचे में 20 गुने 20 गुने 20, ठीक। तो अब देखिए जब ये इधर आएगा, यहाँ पे पी तो गुना है ना इसके साथ, हाँ, तो ये जब इधर आएगा तो ये नीचे इसके साथ भाग लग जाएगा और ये मतलब ऊपर में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये, चलिए मैं करके ही बताता हूँ यार, तो ये हो जाएगा आपका पी यहाँ पे इंटू 21 गुने 21 गुने 21, और वो जो था 9261 ये नीचे आ जाएगा और इधर ये चला जाएगा आपका, ये वाला इधर चला जाएगा, ये 20 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 20 गुने 20 गुने 20 मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए ना 8000, 20 गुने 20 गुने 20 मतलब 8000 होता है। जब इसको काटिएगा तो देखिए 21 से कट जाएगा ये, 21 चौके 84, ठीक, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये 21 चौके 84 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 84, और यहाँ पे हमारा 8 बच गया, 84 86 85 77 88, देखिएगा 52 तक आइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे मने मन लगा दीजिए 8, तो कितना हो गया, 86 हो गया। तो यहाँ पे हमारे को इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, तो 21 चौके 84, फिर से हमारा कितना आ गया, 4 से गया, अब 86 था तो 2 बचा, यानी कि यहाँ पे 21 हो गया, फिर ये कट गया एक बार में 441, और 21 गुने 21 441 होता है, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, तो कितना बचा, 8000। अब देखिए हमारा यहाँ पे 8000 राइट आंसर हो जाएगा, 8000 ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझने में भी दिमाग का दही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ₹1000 एट द रेट 4% पी ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब लगभग में बताना है कितना रुपया होगा, ठीक है। 1000 रुपये पे 4% वार्षिक ब्याज के दर से, ठीक है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी वार्षिक ब्याज में बोल रहा हूँ, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका कितना है, 1000, ठीक, 1000 है, आप लोग वो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते, चलिए देखिए
पैथोलॉजी से उठा के लेते आया हूँ। ये एक्सरे वाला पेपर होता है, जो एक्सरे करते हैं ना हाथ का, गोड़ का टूट जाता है तो हाथ पैर का, वो पेपर है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका जो है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1000, 1000 है पी यहाँ पे कितना है 1000, सब कुछ लिख लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके, क्योंकि एग्ज़ाम अभी टाइम है आप लोग का, और जितना भी टाइम बचा है इसका फ़ायदा उठाइए पूरा। आर कितना है, आर है आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो दिया है ईयर, एन दिया है 3, ठीक है। और क्या पूछा है, हमें पूछा है सी आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, और दूसरा रैंडम फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो पहले साल में कितना ये जुड़ रहा है 4%, सॉरी ये जो है आपका 4% है, 4% है। तो इसका देखिए मैंने बताया है कि ये 1% कितना होगा 1000 का, एक जीरो काट दीजिएगा तो ये आपका 10%, और एक जीरो काट दीजिएगा तो यहाँ पे मतलब पॉइंट लगाना है, तो ये 1000 का 1% हो जाता है हमारा 10, तो 4% कितना होगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 40 हो जाता है, 1000 में अगर हम पहले वर्ष 40 जोड़ दिए, ठीक है, पहले वर्ष में कितना जोड़ दिए 40, तो ये कितना हो गया हमारा 1040 रुपया हो गया पहले साल। दूसरे साल अब 1040 पे हमारा ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका 10% हो गया, ठीक है। और इसका 40% कितना होगा, 40 प्लस 4 चौका 24, ठीक है, 4 चौका 24, तो यहाँ पे 40 प्लस 4 चौका 24, 24 मतलब 2.4, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 2.4 यानी कि 40 2 42, तो यहाँ पे 1040 में फिर हम लोग 42 छोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये दूसरे वर्ष 2% एक्स्ट्रा शुल्क जुड़ रहा है, बिजली जो है ना इसी तरह से जुड़ाता है आपका, 4 4 8, और यहाँ पे हमारा 10, 1080 रुपया, ठीक है। अब जो है 1080 पे इसका 4% निकालना है, तो इसका 4% कितना होगा 10.8, 10.8 को 4 बार लिखिएगा तो कितना आएगा 40 रुपया इधर, और 8 चौका 32, ये 4 से गुना कीजिए 32 मतलब 3.2, क्या है कि ये पॉइंट में है, ठीक है, तो पॉइंटे में लेंगे तो 43 रुपया हो रहा है, ठीक है, 43.2 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना था 1082 में, अब 43.2 जोड़ना है, तो 1082 में तो कितना जोड़ना है 43.2, तो यहाँ पे जोड़िए ना 3 2 5 हो गया, ठीक है, और ये 8 4 12 के 2 हाथ में 1, ठीक, और यहाँ पे हमारा 10 11 1125 के आसपास हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 1125 है ना, ऑप्शन ए 24 नंबर का ए, बस इसी तरह से बनाना है। अगला है यहाँ पे 25 नंबर, द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% PA फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपका जो है 7500 रुपया CI 4% की दर से 2 वर्षों में कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा इजी है, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना है बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि 7500 पी दिया है आपका 7500, ठीक है, और यहाँ पे आर दिया है 4% और एन दिया है 2, ठीक है। आर कितना दिया है, आर दिया है हमारा 4%, एन दिया है हमारा 2, इसको एन लिख दीजिएगा, ये हम लिखा गया, ठीक है, एन, अरे यार चलो जो भी लिखा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, CI इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, का पावर एन, एन होता है एम नहीं होता है, मैं 2 बार चल रहा है, मेरा हाथ बैठ गया है ना, अब क्या करता हूँ। तो CI यहाँ पे निकालना है, पी हमारा कितना है 7500, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये भी बुद्धि से भी निकाल सकते हैं कि एक बार जोड़िए इसका 4%, फिर दूसरे साल भी 4% जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वैसा भी निकाल सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला बैठा के भी, मैंने आपको दोनों बुद्धि बता दिया है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो इस तरह से करना पड़ेगा, एक साल जोड़िएगा फिर दूसरे साल जोड़िएगा और फॉर्मूला सभी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर हमारा कितना है 4 4/100 का, फिर इसका पावर हमारा पूरा का पावर है 2, ठीक है, इन सब का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ होगा, कटेगा जी, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा प्लस है, यहाँ पे नहीं कटेगा, प्लस है मैं भी ना, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं कि 1 प्लस ये 7500, अरे भाई साहब यहाँ पे सब गलत हो गया, सब गुड़माटी हो गया, 7500 ब्रैकेट 1 प्लस, तो 1 हमारा आर कितना है 4, यानी कि 4/100, ठीक, का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे आएगा और ये 4, यानी कि 104 104/100,
ठीक है, फिर 104 बटा 102 बार गुना होगा। तो आप लोग रैंडम मुद्दे से भी निकाल सकते हैं यार। फिर इस तरह से आप लोग जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 से ये 25 आएगा, ये 25 आएगा और ये आपका 26 आएगा, 26, ठीक है, 26 25 26 25, इस तरह से हो जाएगा। अगले बार मैं आपको कैमरा से बताऊंगा यार, मोबाइल से बहुत दिक्कत होता है। तो ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। तो 26 25 26 25 इधर कितना है, 7500, 7500 गुने 26, 26 बट्टा 25 गुने 26 बट्टा 25, ये आपका हो गया, ठीक है। और ये इस टाइप से फिर 25 से कट जाएगा, तो 25 50 25 दिया 75, ये आपका 300 हो गया, ठीक है। फिर 25 से काटिए तो कितना आएगा, ये आपका 25 कितना आएगा जी, तो 25 50 25 दिया 75, 25 चौका 100, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12। अब यहाँ पे 12 गुने 26 गुने 26 कीजिए, आपका आंसर निकल के कितना आएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 8112 रुपया, ठीक है। आप लोग का दिमाग दही हो गया होगा जो लोग मैथ छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 ऑफ 2 ईयर। तो देखिए इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगले बार मैं आपको कैमरा से बताऊंगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होगा मैथमेटिकल वाला, आप लोग इस तरह से एक रफ पेज ले जाइएगा, पूरा का पूरा 2 पेज रहे वैसा रफ पेज बता दीजिएगा, देखिए सर रफ पेज है मैथ का, और अगर वहाँ पे नहीं मिला तब आपके ये काम आएगा। वहाँ पे हालांकि रफ पेज मिल सकता है, अगर रफ पेज नहीं दिया जाता है तब आपको ये पेज ले जाना होगा, नहीं तो समझ जाइएगा भाई साहब क्या होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त लोग देखे हैं आप में से, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसी तरह से मैं क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और इसका PDF लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर आउट ऑफ झारखंड में, सब में काम देगा, ठीक है, जहाँ भी ये सब्जेक्ट है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। और मुझसे जितने क्वेश्चन बन पाएंगे मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। मेरा भी एग्जाम है CGL का यार, तो टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसी तरह से आपका मैं जो भी हेल्प हो पाएगा मिल के करता रहूँगा। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, फिर आपका आता है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, IBS का पेपर, IRC का पेपर, MJ का पेपर तो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी तरह से मैं सबका अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, बाय।